हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओ दिस इज़ विनोद कुमार गर्ग सो अगर आप भी नवोद्या विश्वविद्यालय के रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2022 के लिए अगर आप एमटीएस एग्ज़ाम यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं या फिर लैब अटेंडेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है तो इस चैनल के ऊपर बहुत सारे डेमो वीडियोस आपको मिलते रहेंगे अगर आप लोग कम्प्लीट नोट्स परचेज करना चाहते हैं रिगार्डिंग द एम टी एस एग्ज़ाम लैब अटेंडेड एग्जाम एज वेल एज मेस हेल्पर देन यू कैन कॉन्टैक्ट नाइन एट सेवन सिक्स थ्री सेवन वन सेवन डबल एट सो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन तो क्वेश्चन नंबर वन हमारा है एच वन एन वन वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटब्रेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ जो विषाणु होता है एच वन एन वन वो कौन सी बीमारी को फैलाता था तो ऑप्शन है आपके पास एड्स दूसरी ऑप्शन है स्वाइन फ्लू तीसरी है पोलियो चौथी ऑप्शन है टीबी यानी कि ट्यूबर क्लोसिस तो इसका सही आंसर आएगा स्वाइन फ्लू ओके सो क्वेश्चन नंबर टू है हमारा विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड जो रक्त होता है उसके अंदर सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है ऑप्शन वन है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स ऑप्शन टू है प्लाज्मा ऑप्शन थर्ड है वाइट ब्लड सेल्स ऑप्शन फोर है हमारे पास प्लेटलेट्स uh, तो इसका सही आंसर आएगा प्लाज्मा ठीक है जो बाकी कॉम्पोनेंट होते हैं वो सॉलिड कॉम्पोनेट कॉम्पोनेंट होते हैं जैसे कि आर बी सी डब्ल्यू बी सी और प्लेटलेट्स लेकिन जो प्लाज्मा होता है वो हमारा लिक्विड पार्ट होता है और वो फिफ्टी फाइव परसेंट होता है टोटल ब्लड का क्वेश्चन नंबर तीन ये है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज और आर कॉज्ड बाय वायरस मतलब निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा की जाती है ऑप्शन है ए इबोला, दूसरी ऑप्शन है सारस, थर्ड ऑप्शन है एड्स फोर्थ ऑप्शन है आल ऑफ दिस। तो आंसर आएगा आल ऑफ ओके, जो सारस है इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म होता है सिंड्रोम ओके okay. एड्स का फुल फॉर्म होता है अक्वायर्ड अम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज वेक्टर फॉर मलेरिया कि जो मलेरिया बीमारी होती है उसको फैलाने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म वेक्टर के तौर पे काम करता है तो आपके पास ऑप्शन है इसमें मेल एनोफ्लिक्स मॉस्किटो दूसरी ऑप्शन है फीमेल एनोफ्लिक्स मॉस्किटो थर्ड ऑप्शन है एडिस अजिप्टी ये भी एक मॉस्किटो होता है और फोर्थ ऑप्शन है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो तो सही आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड जो है फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो ओके जो एडिस अजिप्टी है वो डेंगू का मॉस्किटो होता है मतलब वेक्टर होता है वो डेंगू बीमारी को फैलाता है डेंगू जिसको हम बोन ब्रेकिंग फीवर या फिर येलो फीवर भी बोलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव यर कैन डिटेक्ट द साउंड इन द फ्रिक्वेंसी रेंज फ्राम मतलब जो इंसान का कान होता है वो कितनी फ्रिक्वेंसी की रेंज को डिटेक्ट कर सकता है मतलब सुन सकता है ऑप्शन है ट्वेंटी हर्ट से लेकर टू हंड्रेड किलो हर्ट्स ठीक है सेकंड ऑप्शन है ट्वेंटी हर्ट से ट्वेंटी किलो हर्ट्स यानी कि इसको बोल सकते हैं बीस हर्ट से बीस हजार हर्ट्स थर्ड ऑप्शन है बीस हर्ट से एट्टी हर्ट्स अस्सी क्वेश्चन ऑप्शन डी है हमारे पास नान ऑफ दीज तो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स बोल सकते हैं 20 से लेकर किलो ओके तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम फ्रॉम द न्यूटन्स न्यूटन के कौन से सिद्धांत से हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन आती है ऑप्शन वन है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेकंड ऑप्शन है थर्ड लॉ ऑफ मोशन थर्ड ऑप्शन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्थ ऑप्शन है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मतलब जो फोर्स की डेफिनेशन है वो न्यूटन के गति के पहले सिद्धांत से आती है ओके अब आता है क्वेश्चन नंबर सेवन तो क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा है द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज धरती के केंद्र पे किसी बॉडी का वेट कितना होगा ऑप्शन वन है इन्फिनिटी ऑप्शन टू है स्लाइटली लेस देन एट द इक्वेटर थर्ड ऑप्शन है जीरो फोर्थ ऑप्शन है स्लाइटली मोर देन द वेट एट इक्वेटर तो सही आंसर इसका आएगा जीरो क्वेश्चन नंबर आठ एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जो ग्रेविटी की वैल्यू है उसके ऊपर क्या इफेक्ट क्या प्रभाव पड़ता है ऑप्शन है इट रिमेंस सेम दूसरी ऑप्शन है इट डिक्रीज थर्ड है इट इनक्रीज फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट right आंसर आएगा कि एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इनक्रीज क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ विच इज द ओनली मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ओके तो ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस के ऊपर कौन सी ऐसी मेटल है एकमात्र मेटल है धात जो कि लिक्विड यानी कि तरल होती है तो इसका ऑप्शन है सोडियम मैग्नीशियम मरकरी और ब्रोमिन तो सही आंसर इसका आएगा मरकरी मरकरी जो थर्मामीटर के भी अंदर होती है जिसके साथ हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं बॉडी के तो थर्मामीटर के अंदर मरकरी जो होती है वो एक एकमात्र मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे ओके इसको पारा बोलते हैं हम क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द ओनली लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर अब कौन सी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे यानी कि ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड होती है ऑप्शन है मरकरी सल्फर ब्रोमीन या फिर क्लोरीन तो इसका सही आंसर आएगा ब्रोमीन जिसको हम हेलोजन बोलते हैं ठीक है क्लोरीन ब्रोमीन जो होते हैं वो सब हेलोजन होते हैं और जो ब्रोमीन है ये एक एकमात्र नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे सो so, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर लैब अटेंडेंट एज वेल एज एम एग्जाम सो अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप नाइन एट सेवन सिक्स थ्री सेवन वन सेवन डबल एट पर संपर्क कर सकते हैं सो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग